हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों के विरोध में रेवदर उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान पर राज्यसभा सांसद नीरज तांगी के दिशा निर्देश में देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती दर के विरोध में रेवदर उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता एवं युवा कांग्रेस अध्यक्ष हर्षल अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके तहत रेवदर उपखंड मुख्यालय पर हाईवे रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष भवानी सिंह भटाणा, सहकारिता प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश पालीवाल, जिला महासचिव लाखाराम चौधरी, मजहर हुसैन, जिला प्रवक्ता हर्षल अग्रवाल आदि ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की दोहरी नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां कच्चे तेल की कीमतों में कमी हुई है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा पिछले 7 साल में ईंधन की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। यूपीए सरकार के समय पर 1 रुपया बढ़ने पर सड़कों पर आने वाले पिछले 7 साल में 30 रुपए से अधिक बढ़ोतरी को राष्ट्रहित में बताकर आम जन को गुमराह कर रहे हैं। धरने के बाद कांग्रेस जनों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर इब्राहिम खान, प्रकाश कैलाश समेत दर्जन कांग्रेस जन उपस्थित थे। जागरूक टीवी के रेवदर से विक्रम कुमार डाबी की रिपोर्ट।